पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम ध्यान देंगे ड्रॉसन ट्रॉटमैन के जीवन के बारे में। जन्म 25 मार्च 1906, मृत्यु 18 जून 1956, मूल स्थान एरिजोना संयुक्त राज्य अमेरिका, दर्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। डॉसन ट्रॉटमैन द नेविगेटर सेविकाई के संस्थापक थे। उस सेविकाई का उद्देश्य मसीह के बारे में लोगों को बताना और फिर उन्हें सुसमाचार की सेविकाई के लिए सुसज्जित करना है, ताकि वे मसीह के आदेश तुम जाकर सब जातियों के चेलों को चेला बनाओ को पूरा कर सके। हालांकि डॉसन का जन्म एक मसीह परिवार में हुआ था, लेकिन जब वह 20 साल के हुए तब तक वह चोर और शराबी बन गए थे। लेकिन एक दिन जब पुलिस ने उन्हें फटकार लगाई तो उन्होंने फिर से चर्च आने के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर दिया। वह एक स्थानीय चर्च में शामिल हो गए, लेकिन केवल लड़कियों को प्रभावित करने के लिए बाइबल पदों को याद करना शुरू कर दिया। परंतु एक बार जब वह एक पद का पाठ कर रहे थे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रीति करता है अनंत जीवन उसका है। उन्होंने सुसमाचार की सच्चाई को महसूस किया तब और वहीं उन्होंने अपने जीवन को मसीह के राजस्व के अधीन कर दिया। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में जब डॉसन एक सर्विस स्टेशन पर काम कर रहे थे, उनकी मुलाकात एक नाविक लेस इंस्पेयर से हुई। डॉसन ने इंस्पेसर को साथी नाविकों के साथ अपनी गवाही और शास्त्रों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। मसीह के लिए आत्माएं जीतने की उत्साह से स्पेंसर ने अपने 12 साथी नाविकों को मसीह को जानने में मदद की और उन्हें डॉसन के पास ले आए। डॉसन ने अब इन 12 लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के तरीकों के बारे में प्रशिक्षित किया, जिन्होंने बदले में मसीह के लिए 24 आत्माएं अर्जित की। ऐसी यह सेविकाई की श्रृंखला जारी रही और जल्द ही डॉसन के पास 125 से अधिक लोग सुसमाचार सेविकाई करने के लिए तैयार थे। परमेश्वर के वचन की इस व्यक्तिगत शिक्षा के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में हजारों लोगों ने परमेश्वर के वचन को जाना। जैसे जैसे मसीह के लिए आत्माएं जीतने की सेविकाई की श्रृंखला बढ़ती गई, डॉसन ने अब अपना ध्यान उद्धार पाए हुए लोगों को मसीह में बढ़ने में मदद करने पर केंद्रित किया। इस प्रकार द नेविगेटर सेविकाई की स्थापना हुई। इस सेविकाई का उद्देश्य नए जन्म पाए हुए मसीहों के बीच अनुवर्ती कार्य करना और उन्हें उनके अपने स्थान पर सही चर्च में अगुवाई करना है। इस सेविकाई ने कई मसीहों को दुनिया के कई हिस्सों में मिशनरियों के रूप में सेवा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने में भी मदद की। प्रिय, क्या आप अपने आसपास के लोगों के बीच व्यक्तिगत सेविकाई कर रहे हैं? प्रभु मुझे विश्वासियों को आध्यात्मिक पालन पोषण करके उस महान सुसमाचार आयोग को पूरा करने के लिए मजबूत करें। आमीन। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।